और आज दलित लोग जो है ना राजनीति का अफीम चाट के कह रहा हम अकेले सरकार बना लेंगे, सुधर जाइए नहीं तो बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही है, आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। हमारे नेता तो जब तक कवर में पांव नहीं लटकता है कहते हैं हम ही राजनीति करेंगे। अब तो उत्तराधिकार भी घोषणा हो रही है, उत्तराधिकार का मतलब सब पार्टी में, मैं किसी एक पार्टी में नहीं कह रहा। तो दलित लोग उत्तराधिकार घोषणा कर ले तो कहीं तो रहेगा, तो राजा हो गया उत्तराधिकार, अरे हो रहा तो अधिकार की क्या जरूरत है। हमारा काम आपको डिटॉक्स करना है, इतना ज्यादा माथा पर चढ़ गया है राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनने का नशा कि यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर निकाले जा रहे हैं, खिलाड़ी निकाले जा रहे हैं मैदान से, सारी हकमारी हो रही है, उसमें कोई आंदोलन नहीं है। क्या करें, बहादुर लोग जिसे हिम्मत हो लड़ने का उनके हाथ में समाज की कमान होगी, सीट का तालमेल करने वालों से कुछ नहीं होने जाना है क्योंकि वो तो सिर्फ मंत्री बनाना चाहते हैं। हमारे लिए ये समाज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 1925 में आरएसएस बनी है और 2025 होने वाला है, 100 साल पूरे होने वाले हैं। इससे ज्यादा मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है कि क्या होने वाला है, आप समझदार लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल जिस समय हमारे लोग आजकल मेरे से कुछ नाराज रहते हैं कि जिस समय इमोशनल भाषण का दौर हो, गुदगुदी वाला भाषण लोग सुनने में मजा आता हो, खूब तालीफ करती हो, पूरे देश पे हुक्मरान बनना है इसके नारे लग रहे हो, पार्क और मूर्तियों पे पूरी राजनीति हो रही, उस समय अधिकार की बात करना, इसके लिए मैं आपको पूरी टीम को बधाई देता हूं। बहुजन अधिकार सम्मेलन है, इसमें राजेंद्र पाल जी नहीं बोल रहे कि हुक्मरान बन जाना है, देश में कब्जा कर लेना है, शासन पर अधिकार की बात है। बाबा साहब को बार बार पढ़े जाने की जरूरत है, और मैं बहुजन से हटा के मैं दलित अधिकार में बात करता हूं, क्योंकि ओबीसी समाज को तो 90 में या 2006-07 में रिजर्वेशन मिला, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को संविधान लागू होते और उसके पहले पूना पैट के हिसाब से रिजर्वेशन मिला। बाबा साहब जब गए थे 1945 में मद्रास, तो उन्होंने एक भाषण दिया था वहां पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को, कहा था कि 20 से 37 तक जस्टिस पार्टी शासन में रही और 37 में हार गई। तो हारने के कई कारणों में एक कारण उन्होंने ये बताया कि एक महत्वपूर्ण कारण था कि ये समाज अपनी ऊर्जा सिर्फ ब्राह्मणों को गाली देने में बर्बाद कर दिया, सिर्फ गाली देने, इसलिए समीक्षा होनी चाहिए अपने आप की भी, अपने इधर उंगली उठाने की भी। बाबा साहब, मैं तो ये समझता हूं, मेरा व्यक्तिगत राय है, जब संविधान लागू होने के बाद राजनीतिक दल जो है भंग कर देते और कहते कि दलित की अपनी राजनीतिक दल नहीं होगा और दलित समाज राजनीति करे, दलित समाज एजेंडा लागू करे, तो ज्यादा बेहतर होता। आज जो हाल है, जो नारे लग रहे हैं, सिर्फ इमोशनल बात हो रही है, वो नहीं होती, आपके रोजगार और शिक्षा सब बसते, न लक्ष्मण बाहर निकलता, न रितु सिंह धरने पर होती। टू मच पॉलिटिक्स, जात जात की पार्टी बना लिए हो, दो आदमी मिलकर तीन पार्टी बनाते हो, एक अकेले अकेले और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो देश हक की बात ही नहीं हो रही, अधिकार की, कहीं स्कॉलरशिप नौकरी स्वास्थ्य कोई बात हो रही है, खाली चुनाव के दिन हम लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं, एकदम रात में सपने दिखाते हैं कि हमारी सरकार बन गई और हम पूरे एक ही दिन में सब बदल देंगे। इस चक्कर में मैं बाबा साहब के भाषण के कुछ अंश आपको सुनाना चाहता हूं। 1949 में वो मनमाड़ में एक प्रोग्राम में थे, 16 जनवरी को, अंतिम पैराग्राफ पहले मैं बताता हूं क्या कह रहे थे। कह रहे थे कि तीन तरह के राजनीतिक हम मांगते रहे, पहला हमारे प्रतिनिधियों को विधिमंडल में शामिल किया जाए, दूसरा जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले, और तीसरा अलग चुनाव क्षेत्र मिले। इसमें से तीसरा नहीं मांग मिला, लेकिन दो मांग हमने मनवा ली है, और तीसरा नहीं मांगने से, नहीं मिलने से ऐसा नहीं है कि हमारा भाग्य डूब जाएगा, इसी बात नहीं है। कहते हैं कि जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार आप बरकरार रखिए और अधिक अधिकार की मांग कीजिए। और एक कहावत तो कहते हैं, पहनूंगी तो जड़ी वाली साड़ी ही पहनूंगी और नहीं तो नंगे बदन रहूंगी। ये कहावत, ये ठीक नहीं है मानसिकता, ये ठीक नहीं है मानसिकता। समाज
कितना ज्यादा कि हम जब राजा बन जाएंगे, देश में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तभी हम पूरे अधिकार को सुरक्षित करेंगे। तब तक जो मिला था वो भी आप गवा बैठे हैं। 12 है 25 कैशलेस होने जा रहा है दलित समाज, क्योंकि सरकारी नौकरियों में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण खत्म होगा धीरे धीरे, और पूरा मिडिल क्लास तो नौकरियों से ही बना था, राजनीति से कितने लोग बने होंगे, लिमिटेड लिमिटेड है एमएलए एमपी। नौकरी से एक बड़ा मिडिल क्लास बना था, अगर नौकरी में आरक्षण नहीं है, निजीकरण हो गया, तो समझिए आपकी हालत क्या होने वाली है। मैं कोई आपको सिर्फ चेता रहा हूं। एक दो पॉइंट और कहता हूं, उसके बाद मैं खत्म करता हूं। इसी भाषण में कह रहे हैं आरक्षित जगह हमें नहीं मिली है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हमारी जनसंख्या 7 करोड़ है, हम संगठित रहेंगे तभी अपना दल मजबूत होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक राजनीतिक संघ है, उसी के साथ जुड़े रहना चाहिए। लेकिन यह भी बता दूं कि बाबा साहब के जीवन काल में ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में गुटबाजी, भ्रष्टाचार सब कुछ शुरू हो चुका था। इसलिए मैंने पहले कहा कि भंग कर देते और कहते कि समाज राजनीति करेगा, समाज एजेंडा तय करेगा, तो आपके वोट की कीमत होती, आपके पास लोग आते और कहते कि हमारा एजेंडा ये लागू करो तब वोट देंगे, तो आपके अधिकार सुरक्षित रहते। सब जहां देखो राजनीतिक पार्टी, आपकी वोट की कोई कीमत ही नहीं, कोई कीमत नहीं, सिर्फ ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं। आगे वो कह रहे हैं अलायंस के ऊपर कह रहे हैं, अभी सब पार्टी कह रहा है अकेले हम सरकार बनाएंगे, वही बाबा साहब को ही कोट कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि हमें कभी दूसरे दलों के साथ गठजोड़ करना होगा, जो पार्टी हमारा कल्याण करेगी वही हमारी करीबी होगी। हमारे कार्यक्रमों में जिस पार्टी के कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, उस पार्टी से गठजोड़ करने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, देख लीजिए हम नहीं कहते। और आज दलित लोग जो है ना राजनीति का अफीम चाट के कह रहा हम अकेले सरकार बना लेंगे, सुधर जाइए, नहीं तो बच्चों के पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही है, आपके वोट की कोई कीमत नहीं है, कोई वोट मांगने भी नहीं आता है, अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। अधिकार मांगना, मैं जो बात कह रहा हूं वो राजनीतिक बात है, राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है, राजनीति का मतलब होता है नए सवाल पैदा करना, नया विमर्श पैदा करना। एक लाइन और सुना के मैं छोड़ता हूं, बहुत सारे वक्ता हैं और बहुत सारी बातें हैं। शिक्षा के बारे में इसी भाषण में कह रहे हैं कि राजनीति की तरह शिक्षा शिक्षण संस्थान का भी महत्व होता है, किसी समाज की उन्नति उस समाज के बुद्धिमान, कुछ कर गुजरने का मादा रखने वाले और उत्साही युवकों के हाथ होती है। इसी दिशा में सोचते हुए पिछले कुछ वर्षों से मैं राजनीति की तरफ थोड़ा कम ध्यान देकर शैक्षणिक संस्थाओं की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। सिद्धार्थ कॉलेज खोला, मिलिंद कॉलेज खोला, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया। हमारे नेता तो जब तक कवर में पांव नहीं लटकता है कहते हम ही राजनीति करेंगे। अब तो उत्तराधिकार भी घोषणा हो रही है, उत्तराधिकार का मतलब सब पार्टी में, मैं किसी एक पार्टी में नहीं कह रहा। तो दलित लोग उत्तराधिकार घोषणा कर ले तो कहीं तो रहेगा, तो राजा हो गया उत्तराधिकार हो रहा है, तो अधिकार की क्या जरूरत है। हमारा काम आपको डिटॉक्स करना है, इतना ज्यादा माथा पर चढ़ गया है राजनीति, सिर्फ एमएलए एमपी बनने का नशा, कि यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर निकाले जा रहे हैं, खिलाड़ी निकाले जा रहे हैं मैदान से, सारी हकमारी हो रही है, उसमें कोई आंदोलन नहीं है। क्या करें, बहादुर लोग जिसमें हिम्मत हो लड़ने का, उनके हाथ में समाज की कमान होगी। सीट का तालमेल करने वालों से कुछ नहीं होने जाना है, क्योंकि वो तो सिर्फ मंत्री बनाना चाहते हैं। हमारे लिए ये समाज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। समाज, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और समाज को इतना राजनीति मूर्ति और पार्क में जाके ले गया है कि सब इसी में खुश है। रूलिंग क्लास समझ चुका है कि इसको खाली मूर्ति बनवाओ तो बोलेगा वहां 200 फीट का बना, वहां 500, इसी में खुश है। और नीचे से आपके कपड़े उतार दे रहे हैं, सारी हकमारी हो रही। बाबा साहब मेमोरेंडम देते थे, कम्युनिकेट करते थे, डेलीगेशन ले जाके रूलिंग क्लास से मिलते थे, ये सब काम बंद है मौर्य साहब। अब कह रहे हैं कि सरकार बन जाएगी तब हम कर लेंगे, तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार सिस्टम वो संस्थाओं के माध्यम से चलता है, वो प्रोफेशनल्स लोग चलाते हैं। हमारा समाज, मैं तो दलित समाज से ही कह रहा हूं, ना आपका सीए है, ना प्रोफेशनल है, ना कोई पत्रकार बनवा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, खाली सबकी दिलचस्पी
चाहे ऑटो चलाने वाला भाई हो चाहे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हो, सबको कहता है कि हमको विधानसभा में ही जाना, किसी को हजार करोड़ का बिजनेस नहीं खड़ा करना, किसी को संसाधन में हकमारी हो रही उसमें बात नहीं करनी है। तो साथियों, मैं इसी बात के साथ में अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि चुनाव 5 साल में एक दिन होता है, अपने वोट की कीमत पहचानो। इसी 40-50-60 साल में एक मिडिल क्लास बना और 10 साल में जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, आपको सीधा और सीधा खेत में भेज के, जब खेत जोतोगे मजदूरी करोगे सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, बीपी शुगर नहीं रहेगा, उसकी तैयारी हो रही है। तो अपने राजनीतिक शत्रुओं को पहचानो। राजनीति में समाज में समझौते करने पड़ते हैं। लखनऊ में ही 25 अप्रैल 1948 को बाबा साहब ने कहा था पिछड़े वर्ग के एक सवाल पे कि मैं ये नहीं कहता कि आप शादी ब्याह करो ना करो, खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन कम से कम आपकी इतनी संख्या है, अलायंस करके आप कम से कम सरकार तो बना सकते हो। लेकिन रूलिंग क्लास कितना चतुर है, हर जात का पार्टी खड़ा कर दे रहा है, हर जात का। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, अपने वोट की कीमत बढ़ाइए। और जो सरकार आपकी हकमारी कर रहा है, ये नोट कीजिए कि उसको जो हरा सकता है उसी के साथ खड़े होइए, अदरवाइज अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।